जो शहर में जो वाकया रोनुमा हो रहे हैं, कभी मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कभी मंदिर के सामने गोश्त का टुकड़ा फेंका जा रहा है, कभी फेसबुक पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, या यति जो स्वामी नरसिम्हा था उसके खिलाफ आवाम एहतजाज की, उसको पुलिस के सुबह खुद मजलिस के सदर बजात खुद जाकर कंप्लेन की पुलिस को, ये तमाम चीजें रही। अब सवाल हैदराबाद में जो मुसलसल ये चीजें हो रही है, इसके पीछे के क्या पस मंजर है वो आपको गौर करने की जरूरत है। गुज़िश्ता रोज सिकंदराबाद की मंदिर जो है, मंदिर में जो हंगामा मचा तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो लोगों ने ये समझा कि पुलिस जुल्म कर रही है, यानी श्रद्धांजलि अकीदतमंदों को जायरीन पर लाठी चार्ज कर रही है, इस किस्म का एक नैरेटिव बनाया गया। जबकि हकीकत यह था कि वहां पर आवाम पुलिस पर चप्पलों से हमला किया, लाठी बरसाई गई, ऐसा लग रहा था कि वो जो गेरू कलर के जो झंडे, यानी जो क्या कहते हैं आपके मफलरा डाले हुए थे गले में, रुमाल डाले हुए थे, वो पुलिस लग रहे थे और पुलिस एक आवाम की तरह सहमी हुई भाग रही थी। जब पलटकर पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो उसकी वीडियो बताई गई। आज कमिश्नर पुलिस सी वी आनंद आईपीएस साहब ने जो है उसको डालते हुए कहा कि तीन किस्म के उन्होंने वीडियो बताए जो आप बॉक्स में देख रहे हैं कि किस तरह पुलिस पर हमला किया गया। उसके बाद वहां पे मुकदमा हुआ, डीसीपी सेंट्रल जोन ने मुकदमा किया, प्रेस मीट की और कहा कि हम खातियों की तलाश में हैं। बहरहाल सलमान नामी को गिरफ्तार किया जो जाकिर नायक का फॉलोअर निकला। ठीक थी कि भाई उस जाकिर नायक का दीन धर्म क्या है वो इस वक्त दुनिया देख चुकी है कि वो, मैंने इससे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में क्यों बुलाया गया, अचानक उसको नमोदार किया गया। फिर उसमें जो मुनव्वर जमा को जो गिरफ्तार किया गया है, वहां पे एक सवाल ये है कि मुनव्वर जमा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अच्छी बातें लोगों को बच्चों को समझा रहा है, उसकी बात वह किसी महफिल में तकरीर करता है कोई सुनता है, तो उस पर मुकदमा करना फिर गिरफ्तार करना, ये एक सवालिया निशान है कि भाई ये क्या बात है कि एक किसी महफिल में किसी ने तकरीर की तो पता चला कि भाई उसकी बात से किसी ने मुतासिर होकर अपने दिमाग से एक वायलेंट इख्तियार कर लिया, तो वो स्पीकर की बातों में अगर वायलेंस पे उभार रहा है, तशद्दुद पे उभार रहा है, तो बेशक है वो काबिले गिरफ्त है, उसको पकड़ा जाए। तो यह उसके फिर होटल में जो बच्चों को क्लासेस दे रहे थे उनको भी मुकदमा हुआ, ठीक है ये कानूनी थे कि भैया परमिशन लिए नहीं, मगर ये स्पीकर को भी गिरफ्तार करना महाराष्ट्र में ये एक सवाल है। इस तरह क्योंकि पुलिस पर लोग एतमाद करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से ऐसे लोगों पे जो लोग अच्छाई फैला रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि ये चीज़ को थामने के बजाय उभारना है। तो बहरहाल वो उनको गिरफ्तार किया गया, मगर जो लोग तशद्दुद करें, पुलिस पर बर्बरियत करें, ये उनको कौन उकसा रहा है, हैदराबाद की फिजा को कौन खराब करना चाह रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैदरा आने के बाद जो रियल इस्टेट का एक माफिया है, जिस तरह डॉक्टरों का माफिया है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का माफिया है, उसी तरह रियल इस्टेट का माफिया होता है, वो उनकी काफ़ी मुश्किलात उनको नज़र आ रही है। तो एक शहर को इस तरह जैसे शहर को पाक करने की बात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज जो है गोशा महल में एक तकरीर की, पुलिस का जो यौम शहीद था पुलिस परेड से खिताब करते हुए कहा कि मंदिरों पर मस्जिदों पर हमले करके तशद्दुद करने की कोशिश की जा रही है, रियासत में आवाम हमारी बाशऊर समझती है, सो बिल्कुल समझ रही है आवाम। तो इस सिलसिले में खुद सीएम साहब को चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम ओलर्स और उलमा को बुलाए, स्कॉलर्स को बुलाए, मीटिंग करे। खुद पुलिस कमिश्नर हैदराबाद से भी हमारी गुजारिश है, डीसीपी जितने जोन के डीसीपीस है, कि वो एक जिम्मेदारान सोसाइटी को जिसमें उलमा है, आइम खुतबा है, आइम जुमा है, मंदिर के पुजारी है, स्वामी है, को बुलाए, बुला के बोले कि अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो हम इस मसले पर रुजू करके मीडिया में जवाब देंगे, ना कि आवाम को मौका दिया जाए, उससे तशद्दुद रास्ता इख्तियार कर रहा है। तो आवाम के सामने उनके रिलीजियस लोग जब आएंगे तो आवाम उनको सुनेंगे बेहतर बनिस्बत किसी और को।
तो ये एक मीटिंग होने की जरूरत है। अब गुज़िश्ता रात एक वाकया हुआ बाजार लिमिट में, रात के 2 बजे कब 2:30 बजे कब डीसीपी साहिबा स्नेहा मेहरा आईपीएस आके बताया कि कृष्ण नामी लड़का इंस्टाग्राम पे कोई नाजेबा अल्फाज के साथ इस्लाम की मुकद्दस शख्सियतों के शान में गुस्ताखी किया, जिसको लेकर जवान कंप्लेंट दर्ज करने गए। तो ये एक नुकता ये था कि आवाम का एक चीज ये समझ में आई कि ये लोग पुलिस स्टेशन को गए, यानी वो लोग कोई तशद्दुद वाला मामला उसके घर पर जाकर हंगामा करना तोड़फोड़ करना नहीं हुआ, बनिस्बत पुलिस में जाके एक कानूनी चाराजुई की बात की। मगर वहां पे कुछ ऐसे नारे भी लगे जो हमारे मुल्क के सलामत के लिए हमारे दस्तूर के खिलाफ है। इस पर उलमा को चाहिए, मोहल्ला कमेटियों के सदरों को चाहिए कि भाई ये नारा, ये पाकिस्तान का नारा हमारे पास क्यों चले। सबकी सभी को रसूल से मोहब्बत है, हिंदू को राम से मोहब्बत है, सबको मोहब्बत है, मगर ये जो तशद्दुद वाले नारे हैं ये सोशल मीडिया से जो लिए जा रहे हैं इस पर रोकथाम जरूरी है। ये नारे हिंदुस्तान में बल्कि किसी शहर में किसी मुल्क में इस तरह की जगह नहीं होनी चाहिए। तो कोई हम उस पर भी हम इतराज इसलिए कर रहे हैं कि जो चीज़ खराब है खराब बोलनी चाहिए, चाहे अपना करो या गैर करो या कोई आदमी करो, इंसाफ की बात होने की जरूरत है। तो खैर वहां पर एडिशनल डीसीपी जहांगीर साहब भी जो है एक्टिव रहे, फिर उन्होंने मीडिया वालों को बताया कि भाई ये कुछ किस्म की इस तरह से आप लोग प्रोवोक मत करें लोगों को, बेहतर अंदाज में हम इसको डील कर रहे हैं और आवाम को समझा रहे हैं, दोनों फर्क को समझाया गया है। तो खैर और मामला हल हो गया रात में। तो मतलब कोशिश जो हमारे सीएम साहब की यही है कि इस वक्त जो कोशिश की जा रही है, ऐसा कि हम समझ रहे हैं कि हैदरा में जो रियल इस्टेट के माफिया के नुकसान हो रहे हैं तो वहां से डाइवर्शन करने के लिए ये एक मसला की कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर मैं समझता हूँ गौर करने की सख्त जरूरत है और पुलिस सख्ती से नोट ले और उनके जो जाल है उनका, एक मुखबिरों का जाल होता है, उनको तेज करके इस कहीं भी कम्युनल हो उसको बर्दाश्त ना किया जाए। ये सख्त जुर्म है एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, गंगा चरना तहजीब के मुल्क में फिरका वाराना बातें, फिरका वाराना तशद्दुद की हरगिज इजाजत नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफ नजरियाती हो सकता है मगर किसी की गुस्ताखी करते हुए किसी की शान में किसी भी मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है, जिस तरह आयतुल्लाह खामने का फतवा है, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है। हाँ, इस पर फतवे की बात है तो अब समझ में आया कि मैं कुछ लोगों का ये कहना है कि खामने साहब ईरान के, सिस्तानी साहब इराक के हैं, उनको हिंदुस्तान में क्यों माने। अरे भाई, वो रिलीजियस लीडर है, उन्होंने ही कहा है किसी की भी मुकद्दसात की तौहीन हराम है। अब हमारे हिंदू भाइयों के राम जी की शान में कोई गुस्ताखी करा है, हराम है। तो ये उन्हीं के तालीमात है। तो जब रिलीजियस लोगों को फॉलो करते हैं वहां पर अमन शांति होती है, तो इस तरह की उनकी शख्सियतों को मानने से तमाम ममालिक में तमाम शहरों में अमन होता है, ये भी एक पैगाम था। तो हम सोचे कि इस पर बोले हमारी और जहां भी फिरकावारियत की बात हो रही है उसके खिलाफ आवाज आवाम उठाना चाहिए, ऐसे चीजों को बर वक्त दबा देना चाहिए, क्योंकि शहर तरक्की का शहर है ये हैदराबाद, सबको इस्तेमाल करता है। हाँ, जो लोग बाहर से आके फितना करना चाह रहे हैं उन पर पुलिस भी नजर रखे, आवाम भी नजर रखे, इंशाल्लाह हम भी उनके खिलाफ एक्टिव रहेंगे, बोलते रहेंगे। शुक्रिया।